अलीगढ़ में प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी जंक्शन द्वारा सफल अनावरण करते हुए शातिर चोर बबलू सिंह उर्फ नवाब को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी किए गए शत प्रतिशत 4,60,000 रुपए के जेवरात बरामद किए गए हैं। अलीगढ़ जंक्शन आउटर पर प्रातः 4:30 बजे कैफियत एक्सप्रेस खड़ी हुई थी, तभी यात्री वंदना का जेवरात से भरा लेडीज पर्स अज्ञात अभियुक्त द्वारा बाहर से खिड़की के अंदर हाथ डालकर चोरी कर लिया गया, जिसमें उपरोक्त बरामद किया गया सामान रखा हुआ था। घटना के पश्चात बादिया द्वारा जीआरपी सोनीपत पहुंचकर अभियोग पंजीकृत कराया गया। अभियोग पंजीकृत के बाद पश्चात बादिया वंदना एवं उनके परिवारी जनों द्वारा 19 मई को जीआरपी अलीगढ़ को घटना के बारे में सूचना दी गई। घटना के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए त्वरित अनावरण हेतु सर्विलांस टीम संगठित कर 3 टीमों का गठन किया गया। इसके पश्चात अनुभाग के सभी इस प्रकार की चोरी लूट करने वाले शातिर अपराधियों की फोटो एल्बम अपराधियों की डोजियर पीड़िता को दिखाई गई। एल्बम डोजियर दिखाने पर पीड़िता द्वारा 3 शातिर अपराधियों सोनू, नीरज और बबलू पर संदेह जाहिर किया गया। गठित टीमों द्वारा इन तीनों की सर्विलांस व मुखबिर की मदद से जांच की तो अभियुक्त बबलू उर्फ नवाब पुत्र भीमसेन डोरी नगर नगला मान सिंह थाना गांधी पार्क जिला अलीगढ़ की लोकेशन घटना स्थल पर मिली, जिसके आधार पर शक यकीन में बदल गया। बबलू घटना करने के तुरंत बाद पलवल हरियाणा भाग गया। टेक्निकल सर्विलांस पर मुखबिर की मदद से दिल्ली हरियाणा भागते समय बबलू को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से एक मोबाइल फोन, 4 जेंट्स अंगूठी व निशानदेही से अभियुक्त बबलू के अपने घर से घटना में चोरी की गई समस्त ज्वेलरी बरामद कर ली गई। एक्सप्रेस के कोच S2 में एक अपराधी द्वारा हाथ डालकर एक महिला का बैग चोरी कर लिया, पर्स लेडीज पर्स, जिसमें उसकी ज्वेलरी रखी हुई थी। उसके बाद 19 तारीख को उसकी फ़ोन आया मेरे पास कि सर मेरे साथ ये घटना हो गई थी, तो मैंने उनको थाने पर बुलाया। उसके संबंध में उन दिनांक 19/5 को ही FIR पंजीकृत हुई। उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इसमें ये 100% बरामदगी हुई है। इसमें 4,50,000 रुपये की ज्वेलरी